इसका जो लीवर है वो ब्लैक लीवर चलाओ, ऊपर नीचे करो, ये प्रॉब्लम है इसकी। बाकी इसको कंप्लीट करते हैं, बताते हैं फिर वैसे लग जाती है या खोल के लगाना पड़ेगी, एक बार वैसे कोशिश करेंगे ये। हाय दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे पास ये ट्रैक्टर आया महिंद्रा B275 DI, इसमें क्या प्रॉब्लम है उसी विषय पर पूरा वीडियो रहेगा। प्रॉब्लम इसमें यह है कि दोनों इसके लीवर डाउन है, फिर भी इसकी हाइड्रोलिक ऊपर है, यही प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए हैं। हाइड्रोलिक लीवर दोनों डाउन है, फिर भी इसकी जो हाइड्रोलिक है पूरी ऊपर है, और जैसे हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्टर आवर हो जाता है। तो उसके लिए मेरे फोन पे बात हुई थी इनसे, तो ये उस पाइप खोल के इसको हल्का सा इधर खिसका लेना है तो ट्रैक्टर तुम्हारा ओवरलोड होना बंद हो जाएगा। एक बार इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो अभी ट्रैक्टर स्टार्ट किया है, साउंड चेंज नहीं है। जैसे हम इसको इस तरीके से लगाएंगे तो अगर ये हाँ लीवर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, दोनों लीवर डाउन है, फिर भी हाइड्रोलिक ऊपर की ऊपर ही है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो, अभी ये आवर हो गया ट्रैक्टर, अभी आप देख सकते हैं इसने साउंड चेंज कर दिया है। जैसे हम इसको इधर लेंगे जो वापस इसका नॉर्मल साउंड हो गया है। तो कभी ऐसी दिक्कत आती है ट्रैक्टर में, हाइड्रोलिक ऊपर ही रह जाती है। तो उसका एक सीधा सा समाधान है, अगर वर्कशॉप पे ले जाना है कहीं भी आपको ठीक करवाना है तो ये उस पाइप ढीला करके और यहाँ से इसको हल्का सा आउट कर देना है, तो ये हल्की सी एयर पकड़ लेगा। एयर पकड़ लेगा तो आपका जो इंजन है वो दबेगा नहीं, हाइड्रोलिक गर्म नहीं होगी, और आप इसको आराम से वर्कशॉप पे ले जा सकते हैं। अब इसको खोल के देखेंगे। वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम निकलेगी उसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है तो वीडियो पूरा देखें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसकी प्लेट खोल के चेक करी, तो जो मैकेनिक होगा तो उसको तो पता पड़ जाएगा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका जो लीवर है वो ब्लैक लीवर चलाओ, ऊपर नीचे करो, ये प्रॉब्लम है इसकी। बाकी इसको कंप्लीट करते हैं, बताते हैं फिर वैसे लग जाती है या खोल के लगाना पड़ेगी, एक बार वैसे कोशिश करेंगे। ये इसमें प्रॉब्लम निकली है, और मैंने जो वीडियो डाला है वो अलग प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम कोई सी भी हो सकती है, बाकी इसको यहीं लगा के चेक करने की कोशिश करते हैं, नहीं लगेगी तो फिर हाइड्रोलिक इसको उतारेंगे। तो इस प्रॉब्लम से इसकी जो हाइड्रोलिक है ऊपर की ऊपर ही रहेगी, इसका जो लॉक है वो निकल चुका है, अंदर वाला भी निकला है और दोनों लॉक निकले हैं। तो देखते हैं, कोशिश तो यही रहेगी हमारी वैसे लगाने की। हाँ तो भैया, हमने कोशिश करके इसकी दोनों लॉके लगा ली है, अब इसको चला के देखेंगे लीवर इस तरीके से वर्क करता है। चला दो, तीन वाला कस दिया, अभी डाउन करिए, डाउन कर दे उसको, डाउन कर दे पूरा, डाउन कर तब इसको, फिर ऊपर पैर लगा के खड़ा हो तब। हाँ पैर लगा दो, नीचे आ जाएगी, आ रही है नीचे। तो ये भैया ठीक हो गया, हमारी जो हाइड्रोलिक है ये कंप्लीट है। पहले लीवर फिर भी स्टार्ट करके चेक कर लेंगे एक बार, बाकी हाइड्रोलिक कंप्लीट हो चुकी है। तो उसकी प्लेट लगा ले, एक बार स्टार्ट करके भी चेक कर लेते हैं इसको। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम निकली नहीं है, दोनों लोगे निकल गई थी, इसलिए इसका जो पोजीशन जो लीवर है वो अपनी जगह से आउट हो गया था, इसी वजह से इसका जो मेन स्थूल वाल है वो तो सही से वर्क नहीं कर रहा था, अंदर की ओर चला गया था, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आई थी। वैसे हमारा विचार, हमारी जो सिस्टम है, ये बोल रहा था कि हमारा जो मेन स्पूल वाले उसकी स्प्रिंग टूटी हुई है, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। हाइड्रोलिक ऊपर ही अटकने के एक कारण ये भी होता है, एक कारण वो भी होता है। अगर इसके अलावा भी कोई कारण
अगली बार निकलेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि और क्या क्या कारण होते हैं। तो हाइड्रोलिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकलेगी, कुछ भी प्रॉब्लम निकल सकती है। तो अभी इसकी प्लेट लगा लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करके चेक करके दिखाते हैं आपको। हाँ तो दोस्तों, हमने इसकी ये पाइप वगैरह कस ली है, इसकी प्लेट लगा ली है और टांगे वगैरह भी लगा ली है। एक बार इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। इसका ये जो हॉस पाइप हमने खोल रखा था ये भी कसा है, उसके बाद इसको चेक करेंगे स्टार्ट करके। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोलिक पूरी ऊपर आ रही थी, मतलब नीचे तो जा ही नहीं रही थी, ऊपर ही थी, तो अभी ये इस तरीके से वर्क कर रही है। डाउन हो रही है, ऊपर आ रही है, तो ये हमारी जो हाइड्रोलिक है ये एक बार और चेक करा देते हैं आपको। अच्छे से वर्क कर रही है जैसे पहले कर रही थी। यह हाइड्रोलिक ऊपर आ गई, यह हाइड्रोलिक नीचे होगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम निकली, एक छोटी सी लोग ने सारा सिस्टम इसका खराब कर दिया था और हमारी जो हाइड्रोलिक है ऊपर ही रह रही थी, मतलब डाउन नहीं हो रही थी। तो उसका एक कारण ये भी होता है, फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों तक तो वीडियो पहुंचते रहेंगे कि भाई हाइड्रोलिक ऊपर ही रहने के क्या क्या कारण है। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मेन स्पिल वाले की स्प्रिंग टूटी हुई निकली थी और मुझे अंदाजा तो यही था कि हो सकता है इसकी जो मेन स्पूल वाल होता है उसकी स्प्रिंग टूट जाने की वजह से स्पूल वाल अंदर चल जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। पर इस बार अलग प्रॉब्लम निकली, तो प्रॉब्लम कोई सी भी हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।